हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विनर। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल जो होने वाला है सुबह को हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से ब्राज़ीलियन सीरिया का मैच जो कि होने जा रहा है संपावलो और पोटाफोगो के बीच में। ये मैच होने जा रहा है स्टाडियो मुरुम्बी में, जो कि संपावलो का होम ग्राउंड है। संपावलो का सेकेंड लास्ट जो मैच था अगेंस्ट गोयास, वो मैच हमने कवर करा हुआ था, आपको याद होगा। टीम नहीं आ पाई थी क्योंकि शायद कोई जागे नहीं थे उस वक्त को, लेकिन अगर आपने वीडियो देख के अपनी टीम खुद से बनाई होगी, जो शायद आपको करना चाहिए भी, दूसरे के ऊपर डिपेंड अगर आपको नहीं रहना है और क्लैश से बचना है सबसे बड़ी बात, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें वीडियो में बताई गई थी बिल्कुल सेम टू सेम वही गया था। और आई होप आज का मैच भी सही ही जाए। तो फिर से ड्रीम इलेवन ने एक ऐसा मैच लिस्ट किया है, टेबल टॉपर्स और टेबल के बिल्कुल निचले पायदान पर रही टीम। आखिरी मैच जो था जो ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया था वो भी था फर्स्ट प्लेस संपावलो अगेंस्ट 20 टीमों की टेबल में गोयास, और अभी भी है फर्स्ट प्लेस संपावलो अगेंस्ट 19th प्लेस बोटाफोगो। तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि कैसा मैच होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने होते हैं, 7-4 का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे, 4 प्लेयर्स भी आपको दूसरी टीम से लेना होता है, तो वो क्या क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट जो है कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोनों टीमों के बारे में अगर मैं बताऊं, संपावलो आप रैंकिंग से ही समझ सकते हैं कि ब्राज़ीलियन लीग में अभी टॉप पे चल रही है, और सबसे बड़ा जो इनका स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है ना वो है उनकी डिफेंस। ठीक है भाई साहब, क्या डिफेंस है इनकी, सबसे कम उन्होंने गोल कंसीड किए हैं और आखिरी 4 मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने क्लीन शीट रख के जीता है। और ये इनका जो मेंटालिटी है यही होता है, चाहे सामने वाली टीम की डिफेंस कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, ये पहले अपने डिफेंस को संभालते हैं। अगर अपने घर को संभालने के बाद उनको लगे कि ना हम अटैक पे जा सकते हैं, फिर अटैक पे जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अटैकिंग थर्ड में क्वालिटीज़ इनके पास नहीं है, इनके पास अटैकिंग थर्ड में भी क्वालिटीज़ हैं, कंसिस्टेंट कुछ स्कोरर्स भी हैं इनके पास, लेकिन डिफेंसिव शेप को बरकरार रखना हमेशा इनकी प्रायोरिटी होती है। और इसीलिए इनके मैचेस में आपको जनरली बहुत ज़्यादा गोल्स देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभार ही होता है जहाँ पर ये शायद कुछ ज़्यादा गोल कर रहे हों या गोल खा रहे हों, लेकिन जनरली आपके इनकी मैचेस में ज़्यादा गोल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी तरफ बोटाफोगो की बात करी जाए तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं रेलिगेशन जोन पे वो आ चुके हैं, और यहाँ से एक एक हार उनको बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली है आगे आने वाले समय में। तो हर मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो टेबल टॉपर हो या फिर कोई भी टीम हो, उनको पॉइंट्स यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, ऑफकोर्स क्वालिटी की तो कमी है ही, और सबसे बड़ी बात ये बहुत सारे प्लेयर्स खिलाते हैं, मतलब कोई सेट टीम नहीं है इनका। ठीक है, आज के मैच में कोई एक दूसरे मैच में हो सकता है 10 प्लेयर्स उनमें से चेंज हो जाए, तो ऐसा होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी काफ़ी कमी है इन टीमों में। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कुछ मैचों में अनलकी भी रहे हैं, जहां पर हो सकता है कि वो जीत सकते थे अगेंस्ट टेबल के ऊपरी वातावरण वाले टीमों के अगेंस्ट में भी, लेकिन वहां पे भी उनका रिजल्ट उनके सपोर्ट में नहीं गया और चीज़ें भी उनके सपोर्ट में नहीं गई। तो आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, सिर्फ आखिरी हेड टू हेड मैच को लेकर नहीं, ओवरऑल इस फिक्चर में ना संपावलो को हमेशा थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, ये एक फैक्ट है। बोटाफोगो ने हमेशा ही उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करा हुआ है, जीती नहीं है कभी, लेकिन जीतने भी नहीं दिया है आसानी से। सारे मैचेस ऑफकोर्स संपावलो के सपोर्ट में ही गए हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है। तो आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पे संपावलो ने 2-1 से जीता था, यहाँ पर हर्नानेस और पाब्लो ने यहाँ पर गोल करा था। जो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी संपावलो की तरफ से वो है उनका मिडफील्ड। ठीक है, इनका डिफेंसिव मिडफील्ड की बात कर लीजिए या फिर क्रिएटिव मिडफील्ड, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका पूरा सेंटर एरिया ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में ये मैच को भी कंट्रोल करते हैं और मिडफील्ड को भी, और इसलिए पोजीशन वगैरह भी इनके पास होते हैं, और इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में जो भी टीमें सेंट्रली इनके अगेंस्ट में अटैक करने आती है ना, वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं, तो मजबूरन उनको विंग से कुछ काम वगैरह करना पड़ता है, और वहाँ से भी कुछ खास उनका फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि उनके पास दोनों अच्छे फुल बैक्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ जो होता है उनके मिडफील्ड में है। इनके टीम में मोटर की तरह काम करते हैं डैनी अल्वेस। ठीक है, जनरली डिफेंसिव रोल निभाते हैं, लेकिन अटैकिंग थर्ड में भी काफ़ी लिंकअप वगैरह करते रहते हैं, सेट पीस भी लेते हैं, पासिंग भी अच्छी खासी है, डिफेंसिव क्वालिटी तो उनकी हमेशा अच्छी रही ही है। तो ये है, दूसरी तरह से बोटाफोगो की बात करी जाए तो उस तरह से स्पेसिफिकली मुझे कोई इनका स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ मैचों में कुछ कुछ जोनों से उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है, लेकिन अगले मैच में वो एरिया ख़राब हो गया, तो ऐसा है। मैं आगे आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो यहाँ पर 2-1 का स्कोर लाइन हुआ था, इतना मैं आपको कह सकता हूँ बोटाफोगो अटैकिंगली बहुत बुरी टीम नहीं है, इनके पास कुछ अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं जो गोल पहचानते हैं, गोल करना जानते हैं, लेकिन ओवरऑल टीम में बैलेंस की कमी है, इसीलिए उतना ज़्यादा अटैकिंगली वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हैं मिडफील्ड यहाँ पर पूरी तरह से संपावलो ने कंसीड
मतलब डोमिनेट कर रहा था जो हमेशा वो करते हैं। डिफेंसिवली बोटाफोगो का बहुत बुरी टीम तो नहीं थी, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी सम्पावलो की टीम। पोजिशन यहाँ पर बोटाफोगो ने रखा था, हालांकि कुछ फ़ायदा था वो उठा नहीं पाए थे। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो फर्नांडो के सबसे ज़्यादा टैकल्स आपको दिख जाएंगे, उसके बाद गिल्सन और जोआ पाओलो, जो सारे के सारे आप नोटिस करेंगे कि जोआ पाओलो यहाँ से, गिल्सन यहाँ से, फर्नांडो सारे के सारे सेंट्रली ही मतलब ऑपरेट करने वाले प्लेयर्स हैं। गिल्सन यहाँ पर फुलबैक के तौर पर खेल रहे थे वैसे। उसके बाद आर्बोलेडा जो सम पाओलो के सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। डिफेंसिव क्वालिटीज़ तो इनकी अच्छी होती ही है, सेट पीस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रख लेते हैं कभी कभार। उसके बाद सिचाओ और गैब्रियल, सिचाओ मतलब ये जो आपको दिखेगा यहाँ पे बेनेवेनू, तो इस नाम को ज़रा गौर से देखिएगा, फिलहाल तो आप यहाँ पे नज़र रखिए लेकिन आगे भी इनके बारे में कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। उसके बाद डैनी अल्वेस के क्रॉसेस, एंटोनी बोचेका, ये कुछ प्लेयर्स हैं, और अब फर्नांडेज जो बोटाफोगो के गोलकीपर थे वहाँ पे, इनके सेव्स वगैरह हैं। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो आखिरी मैच में बोटाफोगो फ्लामेंगो से 0-1 गोल से हारी, और बिल्कुल लास्ट 10 मिनट के अंदर ये गोल उन्होंने कंसीड किया। फ्लामेंगो भी टॉप 5 की टीमों में से है, उनको यहाँ पर काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था जीतने के लिए, और उनके एक प्लेयर यहाँ पर डाउन भी हो चुके थे। एकमात्र गोल जो आया वो एक डिफेंसिव हाउलर की वजह से आया था, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मिडफील्ड जो था यहाँ पर पूरी तरीके से हॉलो था, पूरी तरीके से मिडफील्ड को मतलब खाली कर दिया था, लेकिन इनके अटैकिंग थर्ड में ना 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो मुझे बुरे नहीं लगे हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये ब्राज़ीलियन लीग में कम से कम किसी बड़े टीम में खेल भी सकते हैं। एक है नज़ारियो जो इनके नंबर 10 हैं, उसके बाद राहुल, और दूसरे एक और स्ट्राइकर हैं बाबी के नाम पर। इनका मूवमेंट वगैरह मुझे ठीक ठाक लगा है, अभी सप्लाई लाइन उतनी अच्छी नहीं है इसीलिए कुछ खास फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, लेकिन ये तीनों मुझे ठीक ठाक लगे हैं। स्पेशली नज़ारियो, ये किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं और सेट पीस वगैरह में भी ये काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो यहाँ पर एक गोल जो है वो सेट पीस से ही करा था। डिफेंस जो था वो फ्लामेंगो का भी अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया मिडफील्ड यहाँ पर पूरी तरीके से खोखला कर दिया था, तो सप्लाई लाइन नहीं आया, और सप्लाई लाइन नहीं आएगा तो स्ट्राइकर्स के पास बॉल ही नहीं आएंगे तो वो गोल कहाँ से करेंगे। तो यही है, डिफेंसिवली यहाँ पर पूरी टीम नहीं थी बोटाफोगो, लेकिन ऑफुल मिडफील्ड, और इसके बाद एक प्लेयर डाउन भी हो चुके थे इसलिए कुछ खास फायदा हुआ नहीं। अटैकिंग थर्ड ने कोशिश किया, और ये मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में आपको देखने को मिल जाएगी बोटाफोगो की तरफ से, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। फ्लामेंगो ने मैच यहाँ पर कंट्रोल किया था, 65% पोजीशन था, और आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं टॉप 5 की टीम है फ्लामेंगो अगेंस्ट 19th प्लेस या 20th प्लेस में है शायद उस मैच में बोटाफोगो, लेफ्ट साइड से हिट किया। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें, विक्टर लुइस क्योंकि सबसे ज़्यादा टैकल्स थे, उसके बाद बेनेवेनुतो, ये नाम जब भी आप देखेंगे आपको बेनेवेनुतो ही समझना चाहिए, इनके क्लियरेंसेस दिख जाएंगे और हर मैच में ही इनका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आपको ज़रूर दिख जाएगा, आप नोटिस करते रहो। हेड टू हेड में भी आपने देखा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद पेड्रो राहुल जिनके शॉट्स ऑन टारगेट थे। अभी क्या है, रिसेंटली कोई भी मैच बोटाफोगो जीती नहीं है, तो इनके पॉजिटिव कुछ बताने के लिए मुझे वही मैचेस दिखाने होंगे जहाँ पर ये थोड़ा सा क्लोज कुछ करे हैं अगेंस्ट मच बेटर टीम। ऑफकोर्स इनसे तो सारे ही टीमें ऊपर हैं एक टीम को छोड़कर जो 20th प्लेस पर होंगे। तो सियरा से इन्होंने 2-2 की बराबरी करी थी और यहाँ पर वो जीत सकते थे, काफ़ी वक्त तक वो 2-1 से आगे थे। आखिरी कुछ मिनटों में यहाँ पर भी उन्होंने गोल कंसीड किया था। सियरा भी टॉप 10 टीमों में से आती है, तो यहाँ पर 2-2 की बराबरी करी थी, ठीक है। जो चीज़ नोटिस करने वाली होगी कि डिफेंस तो यहाँ पर भी ख़राब था, लेकिन अटैकिंग थर्ड अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको देखेगा बाबी यहाँ पर खेल रहे थे, जो 3 अटैकर्स के नाम मैंने बताए उनमें से एक है ये, इन्होंने यहाँ पर अच्छा फुटबॉल खेला। मिडफील्ड यहाँ पर भी सही नहीं था, चायो यहाँ पर खेल रहे थे, केसी को होंडा, और साथ में नज़ारियो आपने ऊपर देखा ये अटैकिंग थर्ड में खेल रहे थे, यहाँ पर वो मिडफील्ड में आ गए, साथ में होंडा जिन्होंने पेनल्टी से गोल किया था, पेनल्टी मिस किया था यहाँ पर विक्टर लुइस ने, जिसके वजह से कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं। डिफेंसिवली बात करी जाए तो ओवरऑल डिफेंसिवली उतनी अच्छी टीम है नहीं, लेकिन बेनेवेनुतो ये हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके हुए देते हैं, ठीक है। सामने वाली टीम भी बहुत खास कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हारी नहीं इस मैच से, और ये 2.1 पॉइंट लेके वो गए अब ये मैच से। उनका भी एक प्लेयर डाउन था वैसे, तो अनडाउटेडली यहाँ पर बेटर साइड थी बोटाफोगो, लेकिन पेनल्टी मिस किया, और जैसा होता है मैंने आपको बच्चे बताया कि लक इनके सपोर्ट में नहीं चला है कुछ मैचेस में जहाँ पर वो शायद जीत सकते थे। मिडफील्ड कंट्रोल किया, गोल भी आए वहाँ से। आप देखिए ऊपर वाला मैच आपने देखा मिडफील्ड कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाया था, जहाँ पर थोड़ा सा बेटर तो था पिछले मैच से, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है सपोर्ट नहीं करा इनको। डिफेंस फिर से यहाँ पर कंसिस्टेंसी की कमी, स्कोर एंड कंसीडर फ्रॉम सेट पीस। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर पोजीशन रखा था बोटाफोगो ने केविन, जिनके आपको टैकल्स दिख जाएंगे, उसके बाद बेनेवेनुतो के क्लियरेंसेज भी, पास भी, और केविन और कानू उसके बाद यहाँ पर थे। और अटैकिंग थर्ड में बात कर लीजिए तो नज़ारियो जिनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस थे, और बाबी के शॉट्स ऑन टारगेट।
केविन और यहाँ से विक्टर लुइस, ये थोड़ा बहुत अटैकिंग थर्ड में भी कंट्रीब्यूट वगैरह करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी तो ऑफकोर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत है। तो ये है बोटाफोगो के बारे में। ऑफकोर्स आपको जो चार प्लेयर्स लेने हैं उनमें से ही कुछ प्लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है। स्पेसिफिकली कुछ मतलब स्ट्रेंथ मुझे समझ नहीं आ रहा है इनके टीम में, लेकिन कुछ कुछ मैचों में अटैकिंगली कम से कम इन्होंने काफ़ी अच्छा खड़ा हुआ है। डिफेंसिव थर्ड में मैं एक दो प्लेयर के नाम मैंने आपको बताया है जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, इसके ज़्यादा इनसे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर। अभी बात करते हैं सांपाओलो के बारे में। तो जो चीज़ आपको इनके मैचेस में देखने को मिल जाएगी कि वो हमेशा कोशिश करते हैं डिफेंसिव शेप को बरकरार रखने का, ठीक है। इसलिए इनके मैचेस में बहुत ज़्यादा गोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ओपोनेंट से ना ही इनसे। कुछ मैचेस में इन्होंने ज़्यादा गोल करे हुए हैं, उनमें से एक था ये जहाँ पर उन्होंने बाहिया को हराया था 3-1 से। इनके अटैकिंग थर्ड में मेन जो प्लेयर हैं वो है लुसियानो। स्टैटिस्टिकली भी और मूवमेंट्स वगैरह की तरफ से भी ये काफ़ी अच्छा, डिफेंसिवली भी अलर्ट रहते हैं। मतलब 80% पॉइंट्स आपको अटैकिंग थर्ड से ही देंगे, लेकिन कुछ कुछ मैचों में डिफेंसिवली भी ये काफ़ी अलर्ट रहे हैं और गोल वगैरह करे हुए हैं। इनके मिडफील्ड में दानी अल्वेस, जैसे मैंने बताया, दोनों साइड में खेलते हैं सारा और इगोर गोमेस। उतना ज़्यादा इनका रोल आता नहीं है अनलेस की सामने वाली टीम के जो फुलबैक्स वगैरह हो वो कुछ ज़्यादा ही वीक हो, नहीं तो ये उतना ज़्यादा ऑपरेट वगैरह करते नहीं हैं। इनके डिफेंस में बात करी जाए, इनका डिफेंस जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके जो दोनों फुलबैक्स हैं स्पेशली रेनाल्डो, ये अटैकिंग थर्ड में ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं बहुत। सेंट्रल डिफेंस में आरबोलेडा दी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन क्या है कि मिडफील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए डिफेंस इनका एक्सपोज होता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ मैचों में डिफेंस में गड़बड़ी आपको दिख भी जाएगी। तो यहाँ से बाहिया को उन्होंने हरा था 3-1 से। ओवरऑल बेटर टीम थी, ऑफकोर्स वो बेटर टीम होते ही है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और मिडफील्ड कंट्रोल, ये चीज़ आपको हमेशा दिख जाएगी सांपाओलो की तरफ से। डिफेंस यहाँ पर सही था, पोजिशन रखा, सेट पीस से यहाँ पर गोल करा था जहाँ पर। उसके बाद आरबोलेडा के क्लियरेंसेस, डानी अल्वेस के पास है, सर्वन आरबोलेडा, रेनाल्डो, जैसे मैंने बताया कि ये सेट पीस भी काफ़ी अच्छा लेते हैं। शॉर्ट्स ऑन टारगेट के मामले में जो नाम मैंने आपको बताया लुसियानो, साथ में आरबोलेडा और वॉल्पी जो इनके गोलकीपर हैं, ये भी काफ़ी अच्छे स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब एज ए अच्छी टीम है, बड़ी टीम है सांपाओलो, तो इनके अगेंस्ट में ज़्यादा अटैक वगैरह होता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मौके मिलते हैं ना इनको, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। स्टैटिस्टिकली इनके भी काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अभी देखिए, रिसेंटली सांपाओलो कोई मैच हारी नहीं है, तो हारी भी नहीं है और शायद ड्रॉ भी उन्होंने उस तरह से नहीं करा है। तो इनका वीकनेस समझाने के लिए मुझे कुछ ऐसा मैच आपको दिखाना पड़ेगा जहाँ पर मैच थोड़ा सा क्लोज हुआ। तो यहाँ पर फोर्टालेजा से मैच थोड़ा सा क्लोज हुआ था। एक तो पहली बात तो इनके फर्स्ट टीम फुटबॉल बहुत सारे नहीं खेल रहे थे, तो वो भी एक रीज़न है। इसके सिवाय भी जो यहाँ पर हुआ था कि सेट पीस से गोल कंसीड किया था यहाँ पर सांपाओलो ने, ठीक है। इनके मिडफील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो वो एक रीज़न हमेशा ही रहा है जो मैंने आपको बताया। गोल यहाँ पे करा था एक सारा ने और बेंच से आके जो पाउलिन हो या जो है वो शायद, तो उन्होंने आके यहाँ पर बेंच से आके गोल वगैरह करे हुए थे। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो नहीं है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर नहीं खेल रहे थे। लेकिन जो चीज़ है बताने लायक वो है मिडफील्ड, यहाँ पर फिर से इन्होंने कंट्रोल करा, लेकिन कुछ सीली एरर्स हुए डिफेंस में और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, इसीलिए कुछ खास हुआ नहीं। पोजीशन फिर से रखा। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें फिर से, आपको डैनी अल्वेस के आप पासिंग इनके देख सकते हैं, और सिर्फ पासिंग नहीं, हर तरफ से मतलब एक दो टैकल, एक दो इंटरसेप्शन, एक दो क्लियरेंसेस, एक दो शॉट ब्लॉकिंग के पॉइंट्स ही आपको देते हैं रहते हैं। पासिंग तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। उसके बाद लियो, लुसियानो, ये कुछ है, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे इसीलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं है। तो सांपाओलो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो बताने लायक चीज़ है। मिडफील्ड इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एक बार के दिन की अटैकिंग थर्ड के प्लेयर को छोड़ सकते हैं, लेकिन मिडफील्ड में जो सेंट्रल मिडफील्ड में जो प्लेयर्स हैं ना, उनको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और डिफेंसिवली भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं क्योंकि मिडफील्ड का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये फिक्स्चर ये कह रहा है कि हमेशा ही बोटाफोगो ने यहाँ पर तकलीफ में डाला हुआ है। अटैकिंग थर्ड में इनके पास कुछ तो क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं, और ये मैच का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि बोटाफोगो को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लेके जाना ही पड़ेगा। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, ऑफकोर्स सांपाओलो फेवरेट टीम है, ऑफकोर्स सांपाओलो ही जीतने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बोटाफोगो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खलबली ज़रूर मचाने वाली है। तो मुझे यहाँ पर एक गोल तो कम से कम उम्मीद है बोटाफोगो की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं आपको ये तक होगा, तीन डिफेंडर सांपाओलो की तरफ से मस्ट हैव हैं, और उन तीनों को आप कोई सा भी टीम क्यों ना बना लीजिए, आप उनको मिस नहीं कर सकते। चौथा डिफेंडर भी आप रख सकते हैं, कहाँ पे किसके जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक और चीज़ जो बताने लायक है कि बोटाफोगो भले ही बहुत नीचे टीम उनका वो अभी प्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड करते नहीं हैं, ठीक है। एक दो उसी से उनका काम जो है हो जाता है, वो हार जाते हैं। तो और सामने वाली टीम, जैसे मैंने बताया, सांपाओलो डिफेंसिव शेप को हमेशा ही मेंटेन करना चाहती है। तो ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप टीम बनाएंगे ना,
आप एक बार के लिए संपावलो के किसी अटैकर को अंडर एस्टिमेट कर भी सकते हो, लुसियानो को छोड़कर ऑफकोर्स, लेकिन उनके मिडफील्ड में जवाब और बना के रखना और डिफेंस में ऑफकोर्स तीन प्लेयर मस्ट हैव है। और बोटाफोगो की तरफ से मैं कुछ डायरेक्ट प्लेयर्स के नामों को बताऊंगा जिनको आपको रखना है, जो अटैकिंग थर्ड में इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा प्लेयर्स को आप ऑफकोर्स मॉल लीग में रखोगे नहीं, है ना। ये हैं सेट पीस टेकर्स जिनको आपको नज़र में रखना है, विक्टर लुइस जो इनके फुल बैक हैं, ये पेनल्टी लेते हैं लेकिन आखिरी बार आपने देखा मिस किया था, हो सकता है इस बार होंडा ले। उसके बाद नज़ारियो होंडा फ्री में भी आते हैं। संपावलो की तरफ से रेनाल्डो इनके पेनल्टी टेकर हैं, उसके बाद सारा हर्नांडेज डैनी अल्वेस। स्टैटिस्टिकली बात करा जाए तो बहुत ज़्यादा गोल स्कोरर्स नहीं है ऑफकोर्स बोटाफोगो के पास, उनमें से मोरा और बाबी के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, यहाँ पर लुसियानो जिनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं संपावलो की तरफ से। असिस्ट के मामले में ये कुछ प्लेयर्स हैं और रेनाल्डो का नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। अभी क्या है कि बोटाफोगो लगातार चेंजेस करती रहती है, तो फिर से उम्मीद है कि चेंज तो वो करेंगे ही, लेकिन अगर सब कुछ यही रहता है तो जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनेवेनुतो यहाँ पर मस्ट हैव है। क्यों मस्ट हैव है? एक तो डिफेंसिव क्वालिटी इनकी अच्छी खासी है, और आपने नोटिस करा है कि संपावलो का थोड़ा बहुत वीकनेस है अगेंस्ट सेट पीस, तो वहाँ पे बेनेवेनुतो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद होंडा, बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें मुझे इनसे भी नहीं है, लेकिन सेट पीस में जैसे मैंने बताया ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद ब्रूनो नज़ारियो और बाकी जो दो अटैकर्स के लेंगे उनमें से किसी एक को आप ले सकते हैं, और अगर आपको अटैकिंग थर्ड से नहीं लेना है तो इनके गोलकीपर को भी आप ले लेना, मतलब यही चार पांच ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको चार लेना है। संपावलो की तरफ से लुसियानो मस्ट हैव है, ठीक है, मेन अटैकर हैं और रेगुलरली गोल पे हैं। उसके बाद यहाँ पर डैनी अल्वेस मस्ट हैव है, भले ही डिफेंसिव रोल निभाते हों लेकिन मिडफील्ड में खेलते हैं और अगेंस्ट बोटाफोगो उनको बहुत सारा स्पेस मिलेगा, ठीक है, तो कुछ भी वो कर सकते हैं वहाँ से, या पता है एक आध गोल भी अगर निकाल दे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वो कलेक्ट करके देंगे। डिफेंसिवली आपको तीन प्लेयर लेने हैं तो यहाँ से हो गए पांच, अगर आप चौथा डिफेंडर लेते हो तो और भी छठा प्लेयर आपके लिए हो जाएगा। बाकी आप ब्रेनर को ले सकते हो अगर आप दोनों अटैकर्स नहीं ले रहे हो बोटाफोगो की तरफ से, नहीं तो ब्रेनर को छोड़ के आपको कोई और मिडफील्डर लेना पड़ेगा, चाहे वो लुआन हो, हर्नांडेज भी हो सकते हैं, हर्नांडेज आखिरी मैच में बेंच से आए थे और आके गोल भी करा हुआ था, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और यहाँ पर इगोर गोमेस और सारा जो साइड में खेलेंगे, इनमें से सारा पे आप थोड़ा कंसंट्रेशन दे सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सेंट्रली आके खेलते हैं, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मिडफील्ड तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग जोन होती है बोटाफोगो की, सांपावलो की, तो वहाँ से ये भी काफ़ी अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जो है शेयर कर सकते हो कि क्या अच्छा या बुरा लग रहा है हमको इस चैनल और इस वीडियोस के बारे में। एक और काम जो करना पड़ेगा वो है टेलीग्राम चैनल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच का फाइनल स्मॉल लीग का फुल टीम जो है वो टेलीग्राम पे ही आएगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवाय अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर टीम्स फॉर विन लिख के तो आपको आराम से 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल दिख जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ फुटबॉल का बल्कि क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल ऑफकोर्स जितने भी मैचेस होते हैं सारे स्मॉल लीग की टीम आपको वहाँ पर मिल जाती है डेडलाइन से पहले, ज़्यादा मैंने सुनों के बाद, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इतनी बड़ी जो फैमिली है हमारी उसका पार्ट भी बन सकते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए मैंने अभी भी चार डिफेंडर्स मेंटेन करे हैं, ज़रूरी नहीं अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। बाकी प्लेयर्स के नोटिस करिए, एक स्ट्राइकर नज़ारियो होंडा क्योंकि पेनल्टी ले सकते हैं अगर मिला तो, मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन इनसे नहीं है लेकिन अगर मिला तो पेनल्टी ये लेंगे। उसमें बेनेवेनुतो सारे स्टैटिस्टिक्स डिफेंसिवली इनके पास हैं और सेट पीस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो यही चार प्लेयर्स जो डायरेक्टली मुझे अटैकिंग थर्ड में कुछ ना कुछ करके दे सकते हैं, ठीक है। चार डिफेंडर्स ही मेरे मेंटेन हो गए, उसके बाद हर्नांडेज, डैनी अल्वेस और लुसियानो जो मैंने रखा है। हर्नांडेज अगर नहीं खेलते हैं तो आप ब्रेनर को भी ले सकते हैं, मतलब ब्रेनर और यहाँ पर जो दूसरा मिडफील्डर मैं ले रहा हूँ डैनी अल्वेस को छोड़कर, उनके जगह पर कोई एक। इसके सिवाय भी आपके पास मिडफील्ड में सारा का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से इगोर गोमेस का ऑप्शन भी आ जाएगा, पिछले मैच में उन्होंने गोल करा था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे इनसे नहीं है, अनलेस कि कोई इनको बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह मिल जाए, नहीं तो बहुत कुछ ये उम्मीद है मुझे इनसे नहीं है, और स्पेशली सांपावलो क्योंकि डिफेंसिव थोड़ा मेंटेन करती है अपना सेव, तो इसीलिए ब्रेनर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। आखिरी मैच में गोल भी उन्होंने करा हुआ था, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए गोल करा है फिर भी 55 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब गोल के 40 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टिंग के, उसके बाद पूरे मैच में उन्होंने कलेक्ट किया 11 पॉइंट। और लुसियानो देखिए कोई गोल नहीं है, एक असिस्ट किया था सिर्फ, और बाकी उनके 35 पॉइंट हैं। आप नोटिस करो डैनी अल्वेस कोई गोल नहीं, कोई असिस्ट नहीं, फिर भी 43 पॉइंट्स। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे
इगोर गोमेस एक गोल और स्टार्टिंग के 44, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मिलकर 44, बाकी 14 पॉइंट। मतलब अगर गोल नहीं करते तो शायद हम ढूंढ नहीं पाते। सारा नोटिस करिए, कोई गोल नहीं और 36 पॉइंट। तो इसीलिए यही डिफरेंसेस है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, गोल स्कोरर को आप हो सकता है इनमें से कोई ना भी हो, लेकिन ये आपको पॉइंट्स जो है कलेक्ट करके देंगे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, लुसियानो अनडाउटेडली आपके लिए है। इसके बाद आप रेनाल्डो के साथ जा सकते हैं, डिफेंसिव में खेलते हैं, एक आध गोल के अपॉर्चुनिटीज अगर बना दे, प्लस अगर क्लीन शीट का बोनस मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। डिफेंस में आरबोलेटा भी एक सही ऑप्शन है अगर आप डिफेंडरों में से लेना चाहते हैं तो। मिडफील्डरों में से डानी अल्वेस और हर्नांडेज दोनों ही सही हैं। डानी अल्वेस कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन होंगे क्योंकि ये डिफेंसिवली भी आपको पॉइंट कलेक्ट करके देंगे, ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।